अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आवर बटरफ्लाई मैथ्स क्लास वन। इसका हमने फ्लैट शेप स्टार्ट की थी कि फ्लैट शेप्स क्या होती हैं और ये कैसे ड्रॉ की जाती हैं और किन लाइन से मिलके ये बनती हैं। फ्लैट शेप्स मुख्तलिफ स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनती हैं, तो ये हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने सर्कल के बारे में किया। सर्कल ऑल अराउंड होता है, इसका ना कोई एज होता है, ना कॉर्नर होता है, ना ही इसकी कोई साइड होती है, ऑल तरफ से राउंड होता है। उसके बाद हमने ओवल का किया था, ये सर्कल की तरह ही होता है पर ये थोड़ा लॉन्ग है। सर्कल सारी साइडों से गोल होता है पर ओवल थोड़ा लॉन्ग होता है। फिर इसके बाद इसकी हमने एक्सरसाइज की थी, काउंट एंड राइट किए थे और उसके बाद ड्रा एंड कलर किया था। फिर नेक्स्ट था ट्राइंगल। ट्राइंगल को हमने ड्रा करना सीखा। ट्राइंगल कैसे थ्री लाइन से मिलके बनता है, इसकी थ्री साइड्स होती हैं, थ्री कॉर्नर होते हैं, इसको ड्रा करना सीखा, फिर इनमें कलर किए। उसके बाद है स्क्वायर। स्क्वायर ड्रा करना सीखा कि ये इसकी फोर साइड्स होती हैं, फोर लाइन से मिलकर बनता है और ये फोर साइड इसकी इक्वल होती हैं। उसके पास था रिक्टेंगल। रिक्टेंगल जो है पेयर्स में होता है, इसकी टू साइड्स जो होती हैं वो लॉन्ग होती हैं और टू शॉर्ट्स होती हैं। हमने रिक्टेंगल को ड्रा करना सीखा और इसमें कलर किए। अब नेक्स्ट जो वर्क है वो हमारे पास था पेंटागोन शेप। पेंटागोन शेप लुक लाइक अ हाउस, ये हाउस की तरह होती है और इसकी फोर इसकी फाइव साइड्स होती हैं, वन टू थ्री फोर फाइव साइड्स। इसको हमने ड्रा करना सीखा और फिर पेंटागोन में हमने कलर्स किए। ये फाइव लाइन से मिलकर बनता है। आज हमारा जो वर्क है वो है पेज नंबर 33 पे। यहाँ पे आपको एक हाउस बना हुआ नज़र आ रहा है, तो इसका हमने प्रोजेक्ट करना है कि हाउस हम कैसे डिफरेंट शेप्स को कट करके डिफरेंट हम कैसे हाउस बना सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने हमें मटेरियल बताया हुआ है। सबसे पहले कलर्ड पेपर है, सीज़र एंड ग्लू। आप इसमें कलर पेपर, चार्ट पेपर या फिर ग्लेस शीट, कंप्यूटर पेज भी यूज़ कर सकते हैं। सीज़र हमें कट करने के लिए पेपर्स को और ग्लू पेस्ट करने के लिए हमें नीड होगी। हमने सबसे पहले क्या करना है, कट दीज शेप्स फ्रॉम कलर्ड पेपर। कलर्ड पेपर के साथ हमने ये शेप्स कट करनी है, स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल एंड ओवल्स, ये वाली शेप्स ड्रा करनी है। देन व्हाट टू डू, आप क्या करेंगे, ग्लू टुगेदर द डिफरेंट शेप्स। शेप्स को हम ग्लू के साथ क्या करेंगे, ग्लू लगाएंगे टू मेक पिक्चर लुक लाइक हाउस, और हाउस की तरह यहाँ पे पिक्चर बनाएंगे। जो हमने शेप्स कट की होंगी, शेप्स को कट करना है और उनको पेस्ट करना है इधर ग्लू लगा के। फिर अभी हम यहाँ पे करेंगे, अभी हम यहाँ पे ये देखें रिक्टेंगल शेप के हमने पेस्ट किया, जैसे कि ये यहाँ पे थी रिक्टेंगल शेप। इसके बाद हमने ट्रायंगल शेप को, जैसे कि ये यहाँ पे है ट्रायंगल शेप और इसके ऊपर ओवल बनी हुई है, तो इधर भी हमने ओवल बनाई है, ये हमने पहले से ही पेस्ट कर दी हुई है। इसके बाद हम यहाँ पे हाउस की शेप है, तो ये भी ट्रायंगल शेप का डोर पेस्ट किया हमने, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हाउस की विंडो है, तो यहाँ पे भी हम इसकी विंडो पेस्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे आपने सारी चीज़ें पेस्ट करती जाना है। ये यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। ये देखें, इस तरह से आप अपना ये हाउस कंप्लीट कर सकते हैं। आप इसके अलावा आप और भी शेप्स के साथ कुछ और भी चीज़ें ड्रा करके आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हाउस ही बनाएं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शेप्स को कट करके आप मेक कर सकते हैं। ये वाला वर्क आपने अपनी बुक के पेज नंबर 33 पे करना है।